दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज़ है जिससे कई लोग डरते हैं क्योंकि उन्हें पानी में तैरना नहीं आता है और जिसके कारण हर साल कई लोगों की मौत भी हो जाती है। ऐसे में आज की वीडियो में मैं आपको पानी में तैरने की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप बहुत ही आराम से और प्रोफेशनली पानी में तैर सकेंगे, मगर इन्हें आपको रोज़ाना फॉलो करना पड़ेगा और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप उतने अच्छे से पानी में तैर पाओगे। जरूरी होता तो है इस वीडियो पानी को ऊपर आप फ्लोट फ्लोट करने करना, का, क्योंकि जब तक आप पानी के ऊपर फ्लोट करना नहीं सीखोगे आप कहीं पे भी हो आप पानी में डूब जाओगे। ऐसे में आपको सबसे पहले लंग्स में हवा भरना सीखना होगा, क्योंकि जब तक आपके लंग्स में हवा रहेगी आप आराम से पानी के ऊपर फ्लोट कर पाओगे और जिससे आप आराम से स्विमिंग भी सीख सकते हो। ऐसे में आपको आपके स्विमिंग पूल का कोई भी कोना पकड़ लेना है दोनों हाथों से बिल्कुल स्ट्रेट। उसके बाद अपने बैक साइड को, जो कि आपके लेग्स नीचे की तरफ हैं, उन्हें ऊपर ले आना है और अपने पूरे शरीर को सीधा फ्लोट कराना है, जिसमें से आपका आधा शरीर पानी के अंदर रहना चाहिए और आधा शरीर ऊपर। दोस्तों, अगले स्टेप में आपको अपने स्विमिंग पूल के बिल्कुल बीच में चले जाना है और वहाँ पर अपने आप को स्टेबल करना सीखना है। ऐसे में आपको अपने हाथों को पानी के बिल्कुल ऊपर रखना है और वो भी बिल्कुल सीध में, और जो आपका लेग्स हों वो बिल्कुल नीचे की तरफ हों, मगर जो आपके लेग्स हैं वो हिलने चाहिए अलग अलग, मतलब दोनों साथ में नहीं अलग अलग हिलने चाहिए और वो पानी को नीचे की तरफ धकेलने चाहिए, जिससे आप पानी के ऊपर बहुत अच्छे से स्टेबल रहना सीख जाओगे चाहे वो पानी गहराई क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आप पानी के ऊपर अच्छे से स्टेबल करना सीख चुके हो और अपने पैरों को हिला हिला के आप किधर भी जा सकते हो, तो आप अगले स्टेप में बहुत अच्छे से स्विमिंग कर पाओगे, क्योंकि इस स्टेप में जहाँ पर आप अपने हाथ को स्टेबल कर रहे थे पानी के ऊपर, अब आप अपने हाथ को पूरा पूरा गोल घुमाओगे, जिससे आप पानी को पीछे की तरफ धकेलोगे और आगे बढ़ने का सीखोगे। क्योंकि उसमें तो आप एक जगह स्टेबल थे, मगर इसमें आपको एक पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पर जाना है, तो ये आपके स्विमिंग में बहुत काम आएगा। तो आप पानी के ऊपर तो आप तैरना सीख ही चुके हैं, मगर अगर आप पानी के डीप में हैं, नीचे हैं, तो आप ऊपर कैसे आ सकते हैं? इसमें आपके हाथ का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ऐसे में आपको हाथ को बटरफ्लाई स्ट्रोक में बहुत बार प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप पानी के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि यही आपको पानी के ऊपर लाने में बहुत मदद कर सकते हैं। दोस्तों, जो मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, जो कि ये बटरफ्लाई स्ट्रोक और डॉल्फिन स्ट्रोक, यही दो मेन तरीके हैं जिनसे आप तैर सकते हो, मगर इनके अलावा भी कुछ हैं। अगर आप चाहते हो उन पर भी मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट में बता देना। बाकी यही तरीके हैं जिन्हें आपको रोज़ाना प्रैक्टिस करना होगा, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने अच्छे स्विमिंग कर पाओगे।